गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्किंग जोन करेंगे। ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए फॉर, दिख रहा है पिक्चर में, ए फॉर एप्पल, एप्पल के बॉक्स पर टिक लगाएंगे। नंबर टू, बी फॉर बैग, बैग के बॉक्स पर टिक लगाएं। नंबर थ्री, डी फॉर, क्या होता है डी फॉर? पिक्चर्स दिख रहे हैं, डी फॉर डॉग, डॉग के बॉक्स पर टिक लगाएं। नंबर फोर, एफ फॉर क्या होता है? एफ फॉर फिश, फिश के बॉक्स पर टिक लगाएं। बी पार्ट, फिल इन द मिसिंग लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जहाँ पर डैश लगे हैं वहाँ पर आपको फिल करना है, मिसिंग लेटर है वो आपको वहाँ पर फिल करना है। नंबर वन, सी डैश टी, क्या फिल करेंगे जिससे कि स्पेलिंग कंप्लीट हो जाए? सी ए टी कैट। नेक्स्ट, बी डैश वाई, क्या फिल करेंगे? बी ओ वाई बॉय। नंबर थ्री, सी डैश आर, सी ए आर कार। नंबर फोर, सी ए टी कैट। नंबर फाइव, पी ई एन, क्या फिल किया मैंने यहाँ पर? PEN पेन, पी फिल करें। नंबर सिक्स, पी डैश टी, PET पेट। सी पार्ट, राइट ए टू जेड इन कर्सिव लेटर्स। यहाँ पर आपको कर्सिव नहीं, कर्सिव कैपिटल लेटर्स में लिखना है, नॉर्मल कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, कर्सिव राइटिंग में लिखना है। यू ऑल नो, आपने UKG क्लास में सीखा है जिस तरीके से मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, आपको इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये लेटर्स आपको प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं दिए गए हैं, आपको इनको प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, लाइंस आपको हैं वहाँ पर। ई पार्ट, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। यहाँ पर आपको क्या करना है? जॉइन करना है डॉट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही, पूरा कंप्लीट करना है एंड देन यू हैव टू कलर इट। दिस इज़ योर होमवर्क।